तो अभी जो बाइक है वो स्टार्ट है और ये जो लाइट है ये जल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है MT-15 का वर्जन 2, जिसमें आ चुकी है चेक इंजन लाइट। ये मोटरसाइकिल सिर्फ 9000 किलोमीटर चली है एंड अभी से इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। तो जापानीज क्या कर रहे हो आप लोग? खैर जोक्स अपार्ट यार, मशीन है, किसी भी मशीन में कोई भी दिक्कत आ सकती है। आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि चेक इंजन लाइट जब आ जाए तब हमें उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोस करना चाहिए, प्रॉब्लम को पकड़ने से लेकर के उसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने तक ये वीडियो आपके साथ रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें एंड विद दैट बीइंग सेड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से देखने से। तो सबसे पहले तो आप इसके जो किलोमीटर्स हैं वही चेकआउट कर लीजिए, 9122 किलोमीटर्स एंड ये रही चेक इंजन लाइट। लेकिन अभी इंजन बंद है, खाली इग्निशन ऑन है। उस सिनेरियो में आपकी जो चेक इंजन लाइट है वो आती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इस इंजन को स्टार्ट करते हैं एंड ये लाइट गायब नहीं होती है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है ये लाइट चली जानी चाहिए। इस वीडियो में अगर आप पूरा बने रहेंगे तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंजन स्टार्ट होते ही लाइट चली जाती है, लेकिन ये नहीं जा रही है। तो अब बारी आती है डायग्नोसिस को स्टार्ट करने की, जिसके प्राथमिक रूप से दो तरीके हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम हमारा जो पुराना तरीका है उसको आजमा सकते हैं। सेकेंडली हम जो थोड़ा मॉडर्न तरीका है जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट करने लग गया है उसको आजमा सकते हैं। सबसे पहला जो ओल्ड स्कूल मेथड है वो है बाइक को या तो आप डीलर मोड पे कर लीजिए, जैसे कि कुछ सुजुकी की बाइक्स में होता है, या फिर अगर पर्टिकुलरली यामाहा की बात करी जाए तो इसमें कोड्स आते हैं। मतलब होगा क्या कि आपकी जो चेक इंजन लाइट है वो ब्लिंक करेगी एंड उस ब्लिंकिंग का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से एक पूरा चार्ट होता है, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है, किस चीज़ का एरर है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें चार ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करे और दो ये स्लो स्लो ब्लिंक करे तो वो हो जाएगा आपका कोड 42। इसी तरीके से जो नंबर्स हैं ब्लिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से जो कोड है वो बनता है और फिर चार्ट में हम देख करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस केस में सबसे पहले दिक्कत तो यही है कि जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये किसी भी टाइप का जो कोड है वो शो नहीं करती है। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली इसके एमिशन सिस्टम में मिलनी चाहिए। अब एमिशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके मैप सेंसर से लेकर के आपके ऑक्सीजन सेंसर तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैलफंक्शन कर सकती हैं। उनके भी तरीके हैं डिटेल में जाकर के एक एक चीज़ को फिगर आउट करके फाइंड आउट करने के, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस है वो मॉडर्न मेथड की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि रीज़न नंबर वन, एक नॉर्मल कस्टमर इतना डायग्नोसिस कभी नहीं कर पाएगा। रीज़न नंबर टू, अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक मोटरसाइकिल पर पूरा एक दिन या दो दिन लगाएं। हाँ, प्रॉब्लम कोई ज़्यादा ही खतरनाक है जैसे कि बाइक में चूहे घुस गए और उन्होंने जगह जगह से वायर काट दी, तब तो स्कैनर भी बेचारा क्या करे। लेकिन अगर जो बेसिक कोड स्कैनिंग है, जिस चीज़ के लिए जो OBD स्कैनर है, OBD पोर्ट है, उसको बनाया गया था, उस हिसाब से अगर हम स्कैनिंग करने के बारे में सोचें तो हम OBD स्कैनर को लगा करके 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल में दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले वही करते हैं जिसके लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा इसका OBD पोर्ट। अब वो है सीट के नीचे और यामाहा के इंजीनियर्स भाई साहब कौन सा नशा कर रहे हैं, इसकी सीट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर ये कैप हटा करके यहाँ पर चाबी लगानी पड़ती है। आई होप इसकी सीट खुल जानी चाहिए। हाँ, एंड ये रहा इसका पोर्ट। अब इसमें बिकॉज वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर है तो ये जो हमारा पोर्ट है वो इस ब्लूटूथ में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकालेंगे एंड अब इसमें लगाएंगे अपना स्कैनर, जो कि ये रहा एंड ये वाली लगेगी केबल। तो सबसे पहले तो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, देयर वी गो। एंड अभी इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको इधर रख के कुछ इस तरीके से लगा देंगे। बैटरी इंडिकेटर वाली लाइट इसमें जल चुकी है, अभी करना है इग्निशन को ऑन सबसे पहले। एंड अपना वर्कशॉप वाला फ़ोन भी मैं ले आया हूँ, तो इसमें ये रहा अपना ऐप रीड कोड्स। सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, इसमें हमें सेलेक्ट करना है यामाहा बाइक्स। प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ इंजन ऑन, तो इसलिए मैं इंजन ऑन करता हूँ।
देयर वी गो, अभी करते हैं प्रोसीड। अब ये पूछेगा कि क्या स्कैन करना है, तो सारे मॉड्यूल्स ही स्कैन कर लेते हैं, क्या ही बिगड़ रहा है अपना। अब करनी है हमें थोड़ी देर वेट, तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें ये देख लो सारी जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करने लग गई हैं, तो ये काम कर रहा है। ये हो गया स्कैन कंप्लीट एंड ये आ गई फाइनल रिपोर्ट। तो अभी सबसे पहले बेसिक स्कैन में ही देख लेते हैं, एंड देयर वी गो ऑक्सीजन सेंसर। एंड ऑक्सीजन सेंसर में भी जो हीटर कंट्रोल सर्किट है उसमें प्रॉब्लम है, एंड इसमें भी ये ऑक्सीजन सेंसर ही बता रहा है, तो सारे कोड्स बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर के ही हैं। तो अभी इसको तो करते हैं एक बार बंद, एंड अपनी जो बाइक है उसको बंद करते हैं और चलते हैं ऑक्सीजन सेंसर की तरफ, जो है इस बेली कवर के पीछे साइलेंसर में लगा हुआ है बेसिकली। तो ये इस टाइप के दो तो एलन स्क्रूज इस साइड लगे हुए हैं, 4 mm वाली जो एलन की है वो इसमें लगेगी, एंड दो दूसरी साइड है। तो सबसे पहले मैं इनको खोल करके इसको हटाता हूँ एंड ऑक्सीजन सेंसर कहाँ पर है वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन सेंसर एंड ये इसकी वायरिंग है जो कि यहाँ पर आकर के सॉकेट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर प्रेस करके इसको निकालना है। ये टैब रिमूव हो गया, अब यहाँ पर ये वाला जो टैब है इसको हम ऊपर उठाएंगे एंड इसको पुल आउट कर लेंगे। अभी ये यहाँ पर एक क्लिप है जो कि इसको इसकी पोजिशन पर होल्ड रखती है, इसको मैं निकाल लेता हूँ एंड अभी खोलते हैं सेंसर को। सो इस पर्टिकुलर केस में ये 17 mm का जो ओपन स्पैनर है उससे खुलेगा। आप चाहें तो प्रॉपर इसका एक टूल आता है उससे भी खोल सकते हैं, बट ये रिलेटिवली एक नई बाइक है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी हीट होता रहता है साइलेंसर और ऑक्सीजन सेंसर, तो इसलिए ये मतलब रस्ट वेल टाइप इतना ईजिली होते नहीं है। देयर वी गो, अब इसकी वायरिंग को ट्विस्ट करते हुए इसको निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ एंड उसके बाद में इसकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो पेश करता हूँ आपके सामने। ऑल राइट, सो रिपोर्ट ये है कि ये जो सेंसर है ये 4-wire सेंसर है, तो इसमें आपको टोटल 4 wires मिलेंगी। 2 black कलर की हैं, 1 blue है, 1 white है। तो जो ब्लू एंड वाइट जो वायर्स हैं वो सिग्नल वायर्स हैं, एंड जो दोनों ब्लैक वायर्स हैं वो इसके जो हीटर एलिमेंट है उसकी वायर्स हैं। एंड स्कैनर के अकॉर्डिंग इसका जो हीटर एलिमेंट है वही ख़राब है, तो उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर बीप करता है दैट मीन्स कि सर्किट है उसमें कंटिन्यूटी है एंड जो हीटर एलिमेंट है वो सही है। अगर वो बीप नहीं करेगा दैट मीन्स कि कंटिन्यूटी नहीं है, सर्किट है वो डैमेज्ड है। एंड डोंट वरी, जो नया वाला रिप्लेसमेंट सेंसर होगा उसमें मैं ये चीज़ आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास एक KTM का ऑक्सीजन सेंसर वो पड़ा है, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, तो इसको भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। बट फिर भी कुछ लोगों के मन में ये रह जाएगा ना कि ये KTM का है, ये यामा का है, इनकी साइज है, जो थ्रेड डायमीटर है एंड थोड़े बहुत इनमें इंटरनल चेंजेस होंगे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है इनका वो एग्जैक्टली सेम है। 4-wire का जो ऑक्सीजन सेंसर है वो ऑल ओवर ऑटो इंडस्ट्री सेम ही तरीके से काम करता है। 2 आपके सिग्नल के वायर होते हैं एंड 2 आपके जो हीटिंग एलिमेंट है उसके वायर होते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये मैंने करा मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे। अभी सबसे पहले ये बीप सुनना आप, ये बीप इसलिए आ रही है क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तब ये बीप करेगा। तो अब हम सबसे पहले वायर्स देखते हैं, दोनों जो ब्लैक वायर्स हैं वो इस साइड हैं, तो इन दोनों को हमें आपस में टच करवाना है। कोई बीप वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अब सेम चीज KTM वाले सेंसर के साथ करके देखते हैं। तो इसमें टोटल 4 wires हैं, ग्रे एंड ब्लैक सिग्नल वायर्स हैं एंड दोनों जो सेम कलर की व्हाइट वायर्स हैं वो हमारी हीटिंग एलिमेंट की हैं। तो इसमें अगर हम इन दोनों पे टच करते हैं तो आई होप आप सुन पा रहे होंगे, लेकिन ये सेम चीज इसमें नहीं हो रही है। दूसरा तरीका है रेजिस्टेंस मेजर करने का, तो इसको मैंने रेजिस्टेंस वाले मोड पे कर दिया है। अब अगर यहाँ पर इन दोनों व्हाइट वायर्स के बीच की जो रेजिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं, फिलहाल 8.9 की जो रीडिंग है वो आ रही है। अब यही सेम चीज हम यहाँ पर रिपीट करते हैं, कोई भी रीडिंग नहीं है एंड यही प्रॉब्लम है। फिजिकली आप इस ऑक्सीजन सेंसर को देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कोई भी इशू है या नहीं, एंड ये जो वायर्स हैं क्या पता ये बीच में से कहीं से टूट गए हों, तो वो चीज़ भी मैंने चेक कर ली, वायर्स प्रॉपर हैं। इट इज़ जस्ट कि इसके अंदर का जो सर्किट है वो डैमेज हो चुका है जिसको रिपेयर नहीं करा जा सकता है, तो इस सेंसर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब नया वाला सेंसर मैं लेकर के आता हूँ एंड उसकी जो रीडिंग्स हैं वो आप लोगों को और शो कर देता हूँ। सो देयर इट इज गाइस, ये रहा अपना ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर।
एंड मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है ये वारंटी में थी, तो 4,500 रुपए ओनर के वेस्ट कराने का क्या फायदा है, तो इसलिए मैंने इसका वारंटी में जो क्लेम है वो करवा दिया। तो उन्होंने हमें नया रिप्लेसमेंट सेंसर है वो दे दिया, हालांकि उन्होंने बाइक में लगा करके दिया था, बट मैंने अभी फिर से निकाल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी इसकी जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। एंड एक छोटी सी चीज़, अभी पुराने वाला जो सेंसर है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वारंटी में जो डैमेज्ड पार्ट होता है वो रख लिया जाता है एंड आपको रिप्लेसमेंट पार्ट नया पार्ट लगा करके दे दिया जाता है। तो ये नए वाला है, पुराने वाला है नहीं, बट पुराने वाले की रीडिंग्स हम पहले ही चेकआउट कर चुके हैं, तो उसके कंपैरिजन में नए की जो रीडिंग्स है वो कैसी आती है वो देख लेते हैं। तो इसमें दोनों जो ब्लैक वायर्स हैं वो ये रही, तो इन दोनों पर ये जो प्रोब्स हैं इनको टच करते हैं, देयर वी गो। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस और चेक करा देता हूँ। 7.2 के समथिंग की रीडिंग आ रही है, KTM वाले में 9 के समथिंग की रीडिंग थी, लेकिन जो हमारा रिप्लेसमेंट मतलब जो डैमेज सेंसर था उसमें 1 दिखा रहा था, मतलब सर्किट ही पूरा कंप्लीट नहीं था, तो कहाँ से करेगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों चेंज करा गया है और आपको कैसे चेक करना है। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड इंस्टॉलेशन सुपर ईजी है, जैसे हमने खोला था वैसे ही वापस से लगाना है, वायर वगैरह डैमेज ना हो इसका ध्यान रखना है, अच्छे से टाइट करना है, सॉकेट को कनेक्ट करना है, एंड वी आर गुड टू गो। एंड अभी देखते हैं कि जो लाइट है वो गई या फिर हमें कोड्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो अभी इग्निशन ऑन करने पर तो लाइट है, स्टार्ट करके और देखते हैं, तो लाइट है वो नहीं जा रही है, दैट मीन्स कि हमें जो कोड्स हैं उनको क्लियर ही करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से स्कैनर का सहारा लेना पड़ रहा है, क्लियर कोड्स पे क्लिक करना है, एंड कोड्स क्लियर करते टाइम जो इंजन है वो हमें चालू नहीं करना होता है, खाली जो इग्निशन है वही ऑन करना होता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अगेन यामाहा बाइक्स, लेट्स प्रोसीड, सारे फॉल्ट्स ही क्लियर कर देते हैं। एंड अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑलरेडी आप देख सकते हैं लाइट गायब हो गई। तो इतना अच्छे से काम करता है एक अच्छी कंपनी का स्कैनर, सारे जो कोड्स हैं इसने क्लियर कर दिए। इसको करते हैं एग्जिट, इसको करते हैं बंद, एंड अभी हमें इग्निशन ऑफ करके वापस से ऑन करने का इंस्ट्रक्शन है वो मिला था, तो वो कर लेते हैं। अभी ये अपना चेक वगैरह कर रहा है, लाइट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बाइक में तो बंद में भी लाइट नहीं आती है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्वड हो चुकी है। अभी एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, देयर वी गो। तो प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी सोल्ड, एंड ये सब हो पाया है इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के हेल्प से। मल्टीमीटर से हमने सारी डिटेल्स जानी, एंड स्कैनर के बिना तो हमारा काम ही नहीं हो सकता था। अभी तक हम इसका डायग्नोस ही कर रहे होते कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, लेकिन स्कैनर था तो चुटकियों में वो जो चीज़ है वो हमें पता चल गई, एंड हमने जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी। हमारी बाइक एकदम ओके है, खाली जो सीट एंड जो बेली पैन है वो लगाना है, वी आर गुड टू गो। तो वही है, इनकी आपको अगर डिटेल्स जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, मल्टीमीटर का भी लिंक मिल जाएगा, एंड कारपीएम का जो ये पूरा किट है इसकी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनका तो मैं अभी नंबर भी फ्लैश कर देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये पूरा किट ही लें, अगर आप एक अकेले बंदे हैं, आपकी खुद की बाइक है जिसकी आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं, मतलब सीधी सी बात है यार ये कोड आ जाए, और अगर आपकी बाइक वारंटी में नहीं है आप एजेंसी में जाते हो तो वो 8-10 हज़ार का बिल बना देंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो 8-10 हज़ार का ही है या 2-4 हज़ार का है या छोटी सी दिक्कत है। तो ये चीज़ है ना, आपके काफ़ी पैसे भी बचा सकती है, सो मेक श्योर आप इसको चेकआउट करना। एंड फेस्टिवल सीजन के टाइम पर इनके काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही था गाइस, आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प हुई होगी, अगर ऐसा है तो आपको बताइए आपको क्या करना है। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।